हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल द नॉलेज फैक्ट्स में। आज हम बात करेंगे भगवान बुद्ध की एक कहानी के बारे में। एक समय की बात है, भगवान गौतम बुद्ध एक नगर में घूम रहे थे, लेकिन उस नगर के नागरिकों के मन में बुद्ध के विरोधियों ने यह बात बैठा दी थी कि वह एक ढोंगी महात्मा है और हमारे धर्म को भ्रष्ट कर रहे हैं। इस वजह से वहाँ के लोग उन्हें दुश्मन मानने लगे थे। एक दिन नगर के लोगों ने गौतम बुद्ध को देखा तो उन्हें भला बुरा कहने लगे और बद्दुआएं देने लगे। गौतम बुद्ध बड़े ही शांति से उनके उलाहने सुन रहे थे। उसके बाद नागरिक कहते कहते थक गए, लेकिन गौतम बुद्ध ने उनकी बात का ज़रा सा भी बुरा नहीं माना और बहुत ही शांति से कहा कि अगर आप लोगों की बातें ख़त्म हो गई हों तो क्या मैं जा सकता हूँ। गौतम बुद्ध की यह बातें सुनकर वहाँ के नागरिक आश्चर्यचकित रह गए। उसी में से एक नागरिक बोल पड़ा, ओ भाई, हम तुम्हारा गुणगान नहीं कर रहे हैं बल्कि तुम्हें गालियाँ दे रहे हैं, क्या इसका तुम पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। तभी गौतम बुद्ध बोले, आप सब चाहे जितनी भी गालियाँ दे दो मुझे, मैं इन्हें लूँगा ही नहीं, क्योंकि आपके गालियाँ देने से मुझ पर कोई असर नहीं पड़ता जब तक कि मैं इन्हें स्वीकार नहीं कर लेता, और जब मैं इन गालियों को लूँगा ही नहीं तो इनका कोई महत्व नहीं रह जाएगा, निश्चित ये आपके पास ही रह जाएगी। और इसके बाद गौतम बुद्ध वहाँ से चले गए। तो दोस्तों, गौतम बुद्ध की इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हम अपने दुखों का कारण स्वयं ही होते हैं, बल्कि हम हमेशा अपने दुखों का कारण दूसरों को मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये आप पर निर्भर करता है कि आप दूसरों की बातें किस वे में लेते हैं, पॉजिटिव वे में या नेगेटिव वे में। तो दोस्तों, आज बस इतना ही। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई और आप लोग चाहते हैं कि हम ऐसे ही वीडियोस आप तक लाते रहें तो लाइक करो यार, और अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए, जैसे कि हमारी सारी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। थैंक यू।